और ध्यानचंद 1936 जर्मनी के साथ ओलंपिक हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल, 25,000 लोग उस स्टेडियम में खड़े थे, ध्यान दीजिएगा, 25,000 लोगों से भरा हुआ स्टेडियम, 16-1 से जर्मनी को रौंद डाला और 15 गोल अकेले दागे थे। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर उस दिन स्टेडियम में था और आया नीचे, बोला तो हॉकी तोड़ो, इसकी हॉकी तोड़ो, चुंबक निकलेगी, कैसे ये चिपका के खेलता है, चुंबक निकलेगी इसकी हॉकी में। नहीं निकली। रात को हिटलर ने उनको अपने कमरे में बुलाया, बोला हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो, हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो। लांस नायक ने बताया, मेरा नाम है ध्यानचंद, आर्मी में काम करता हूं। तभी दुनिया का तानाशाह उनको बोला, ध्यानचंद तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है, आज भी सूबेदार हो, जर्मनी से खेलो, एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा आज ही, जर्मनी आ जाओ, एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा, तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है। अभी बात देश की आ गई थी, जो उन्होंने जवाब दिया मैं जिंदगी में भूलता नहीं। सुनना चाहेंगे? Yes! सुनना चाहेंगे? Yes! मेजर ध्यानचंद ने उनको कहा, साहब मिस्टर हिटलर, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की, अपने देश से ही खेलूंगा, अपने देश से ही खेलूंगा।